बायोलॉजी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में टोटल 125 क्वेश्चन हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, स्तनधारियों के यकृत का अभिलक्षण है कुफर कोशिकाएं तथा ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स तथा कैनेलिकुली, ग्लिसन संपुट तथा कुफर कोशिकाएं, ग्लिसन संपुट तथा ल्यूकोसाइट्स। तो देखिए, जो जो संयोजी ऊतक का आवरण द्वारा जो घिरा होता है ना यकृत, तो इस आवरण को कहते हैं ग्लिसन संपुट। और यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो भक्ष काड़ुओं की भांति कार्य करती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा, ग्लिसन संपुट तथा कुफर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर टू है, कुल कुकरबिटेसी किससे संबंधित है, फिकाइडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, सेपिनडेल्स या फिर मालवेल्स। तो जो कुल कुकरबिटेसी है ना वो पैसिफ्लोरेल्स से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो कुकरबिटेसी जो फैमिली है ना उसका जो पादप है वो प्रतान द्वारा आधार पर लिपटकर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रभाव डालता है प्रतिवर्ती क्रिया पर, संवेदी अंगों पर या फिर आंतरिक अंग पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंतरिक अंग पर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रभाव डालता है आंतरिक अंग पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, कला गहन में भरा हुआ तरल क्या कहलाता है। तो जो कला गहन होती है उसमें जो है इंडोलिम्फ कहलाता है, ठीक है, इंडोलिम्फ जो है हेलिकोट्रीमा से एक नली द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वसाओं का पायसीकरण नहीं होता है, लाइपेज, पित्तवर्णक, पित्तलवण या फिर अग्नाशयी रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्तलवण, ठीक है, पित्त में उपस्थित जो है पित्तलवण वसा बूंदों को उनका पृष्ठ तनाव घटा करके अनेक छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है, लाइकोपोडियम एवं सिलेजिनला, सिलेजिनेला एवं इक्विसीटम, इक्विसीटम एवं मार्सिलिया, सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। तो देखिए, ऐसे बीजाणु जिसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक मेगास्पोर और दूसरा माइक्रोस्पोर, तो उसे क्या कहते हैं, विषम बीजाणुकता कहते हैं, ठीक है। तो सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील पाई जाती है लाइकोपीडियम में, इक्विसीटम में, मार्सिलिया में या फिर इनमें से, कह रहा कोई नहीं। तो प्रोटोस्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम में, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नायु मुख्यतः बना होता है रेटिकुलिन का, इलास्टीन का, मायोसिन का या फिर कोलेजन का। तो दो अस्थियों को जोड़ने वाली, ठीक है, दो अस्थियों को जोड़ने वाली पीली रेशेदार जो डोरियां या स्नायुपीत लोचदार तंतुमय संयोजक संयोजी ऊतक की बनी होती है। तो इस ऊतक के मैट्रिक्स में पीले लोचदार इलास्टीन के तंतु पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलास्टीन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है, पूर्वावस्था की जाइगोटीन, पूर्वावस्था फर्स्ट की, पैकेटीन, पूर्वावस्था सेकंड या फिर पूर्वावस्था, कह रहा है पूर्वावस्था फर्स्ट या फिर पूर्वावस्था सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वावस्था फर्स्ट की पैकेटीन में, ठीक है। गुणसूत्री विभाजन की मुख्य बात यह है कि इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य क्रमशः दो बार विभाजित होते हैं जबकि गुणसूत्र एक ही बार बंटते हैं। इसका सही उत्तर है पूर्वावस्था फर्स्ट की पैकेटीन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है, प्रियॉन्स, विषाणु, विषाणु या फिर जीवाणुभोजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स की जो खोज है ना वो स्टैनले ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियॉन्स। अगला क्वेश्चन है, एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन होते हैं, हमेशा नर में अभिव्यक्त, हमेशा मादा में अभिव्यक्त, सी उत्तर कह रहा है घातक या फिर कह रहा है डी ऑप्शन उपघातक।
तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है हमेशा नर में अभिव्यक्त। मानव मादा में दो एक्स गुणसूत्र तथा नर में एक एक यक्ष गुणसूत्र व एक जो है वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो एक्स संलग्न अप्रभावी जीन नर में केवल एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण अभिव्यक्त हो जाते हैं, जबकि मादा में दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होने पर ही अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा नर में अभिव्यक्त सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यकृत कृमिका स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा कौन सा है? रेडिया, मिरेसिडियम, मेटासर्केरिया या फिर सर्केरिया। देखिए जो मिरेसिडियम लार्वा है ना, वो फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में पाया जाने वाला पहला लार्वा अवस्था है, जबकि अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं तब इनका कैव्युलेटेड भ्रूण जो इम्ब्रियो होता है विभाजित होकर 14 से 15 दिनों में मिरेसिडियम लार्वा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिरेसिडियम। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला भवन हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जिसमें एकल स्त्री ब्लास्टुला द्विस्त्री हो जाता है, ऑर्केन्टान का निर्माण होता है, युग्मनज लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, कोशिकाएं अपनी निश्चित स्थिति प्राप्त करने हेतु गति करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोशिकाएं अपनी निश्चित स्थिति प्राप्त करने हेतु गति करती हैं। ठीक है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन कहलाती है, और यह इम्ब्रियो डेवलपमेंट की वह अवस्था है जिसके दौरान ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंतिम स्थिति प्राप्त करने के लिए छोटे पुंजों में गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है, गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में पाई जाती है? एस्टेरेसी, लैमिएसी, रेनेनकुलेसी या फिर रोजेसी। देखिए जो गाइनोबेसिक वर्तिका है ना, वो लैमिएसी में पाई जाती है। जब फैमिली हमने पढ़ाई थी तब उसमें से ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लांट फैमिलीज में जा करके फैमिली लैमिएसी में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइनोबेसिक जो वर्तिका है वो लैमिएसी में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैमिएसी। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संवहन क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, पादप जगत के उभयचर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पादप जगत के ना ये उभयचर कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हैमबर्गर शिफ्ट को क्या कहते हैं? हैम बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, पोटेशियम शिफ्ट या फिर ये सभी। देखिए लाल रक्त कणिकाओं द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में जो है CO2 के परिवहन के समय बाइकार्बोनेट विसरित होकर प्लाज्मा में आने लगते हैं, इसलिए लाल रुधिराणु से प्लाज्मा में आए प्रत्येक बाइकार्बोनेट आयन की पूर्ति करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन लाल रुधिराणु में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, हैमबर्गर शिफ्ट को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा का कह रहा है विशिष्ट लक्षण है? सीलोम, नेफ्रिडिया या फिर उभयलिंगी या फिर पूर्ण आहार नाल। तो देखिए एनेलिडा जो है ना खंडक युक्त कृमि होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रिडिया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भाग पाइनस का बीजांडधर सल्क होता है? महाबीजाणुपर्ण, बीजांड, सूक्ष्म बीजाणुपर्ण या फिर लघु टहनी। तो देखिए पाइनस का जो बीजांडधर होता है वो सल्क महाबीजाणुपर्ण का भाग होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा बनती है ग्रेनाइट से, सिल्ट से, नीज से या फिर इन सभी से। तो यहाँ पर देखिए लाल मृदाओं की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रेनाइट पीस और इसके बाद जो है सिस्ट आदि खनिजों से हुई है। ठीक है, तो इस मृदा में लोहा व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है तो इनका रंग लाल होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है, नाल वाले यानी कि जो है यूथेरियन स्तनधारी जंतु होते हैं अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, अंडजरायुज या फिर अंडे व बच्चे देने वाले। तो विवीपैरस जो होते हैं वो पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं। इनमें क्या होता है, जो इम्ब्रियो होता है वो एवं शिशु का जो पोषण होता है ना वो फीमेल के यूटेरस में एक नली द्वारा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं।
ठीक है। तो यूथीरियन स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं, जैसे डॉल्फिन, छछूंदर, ठीक है, सशक, मनुष्य, बंदर, भैंस, कुत्ता, चमगादड़। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन, बी इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा, बच्चे देने वाले। अगला क्वेश्चन है, समुद्री एवं अलवण जल के बिना बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है। केटाड्रोमस प्रवास, एम्फीड्रोमस प्रवास, एनाड्रोमस प्रवास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच के बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इको टाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो इको टाइप जो है ना, टेरेशन ने इको टाइप शब्द प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के चालन के दौरान पुनर्ध्रुवण होता है के आयनों के आगम द्वारा, सोडियम आयनों के आगम द्वारा, पोटेशियम आयनों के आगम द्वारा, या फिर सोडियम आयनों के निर्गम द्वारा। तो किसी उत्तेजना के प्राप्त होने पर सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करना बंद कर देता है। तो सोडियम आयन भीतर की ओर गति करते हैं, इसके कारण विध्रुवण या सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। तो सक्रिय विभव के पश्चात सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है और सोडियम आयनों का निर्गम या इफ्लक्स और पोटेशियम आयनों का आगम या इनफ्लक्स तथा एक्सॉन पुनर्ध्रुवण द्वारा विश्राम विभव को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम आयनों के निर्गम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कप के आकार का हरित लवक किस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, सूडोगोनियम, या फिर कह रहा है एक्टोकार्पस। तो कप के आकार का होता है क्लेमाइडोमोनास में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए पेटेनकॉर्फस उपकरण प्रयुक्त होता है, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, या फिर प्रकाश श्वसन। देखिए, पेटेनकॉर्फस उपकरण जो है श्वसन क्रिया की दर निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिका पाई जाती है मानव में, चूहे में, खरगोश में, या फिर मेंढक में। तो जो मेंढक की लाल रक्त कणिका होती है वो बड़ी अंडाकार और केंद्रयुक्त होती हैं। तो इसका जीवन काल 90-100 दिन का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेंढक में। ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है ग्लूकोज, सोडियम, क्रिटेनिन, या फिर एल्ब्यूमिन। तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन में अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल, पानी इत्यादि का निस्पंदन होता है, जबकि सोडियम निस्पंदन प्रॉक्सीमल कानुवलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता एल्ब्यूमिन नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, फ्यूकोजैंथिन किसका मुख्य वर्णक है, साइटोनिमा, कारा, एक्टोकार्पस, या फिर वॉलवॉक्स। ये सब क्या है, शैवालों के नाम हैं ये, ठीक है। तो कह रहा है फ्यूकोजैंथिन किसका मुख्य वर्णक है, तो फ्यूको जो जैंथिन है ना वो एक्टोकार्पस में मुख्य वर्णक है। एक्टोकार्पस मूल रूप से ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला समुद्री शैवाल है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एक्टोकार्पस। सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, बेसिलस, या फिर इनमें से कह रहा कोई नहीं। तो जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो नींबू में पाया जाता है और ये जेंथोमोना सिट्री बैक्टीरिया से फैलता है, जो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेंथोमोनास। अगला है, पादपों में नष्टीभवन की प्रक्रियाएं जो पादपों के क्रियात्मक जीवन को प्राकृतिक रूप से समाप्त कर देती हैं सामूहिक रूप से कहलाती हैं, म्लानि, विलगन, जीव द्रव्य कुंचन, या फिर जीर्णता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीर्णता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा है, चीड़, देवदार, शीशम, या फिर साल। तो इसमें से जो है प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के अनुसार शीशम की लकड़ी का औसत भार सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शीशम। पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर, जलमंडल, वातावरण, या फिर जैवमंडल। तो जैवमंडल पृथ्वी का जैविक घटक है और जिसमें स्थल मंडल, जलमंडल तथा वातावरण शामिल है।
तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सभी जीवों व उनके द्वारा उत्पन्न मृत कार्बनिक पदार्थों का समूह जैव मंडल में ही शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं मार्सीलिया में, फर्न में, साइकस में, फिर यह कह रहा है ये सभी में। तो इसमें से जो फ्यूनेरिया की 17 जातियां ज्ञात हैं उसमें से 15 भारत में मिलती हैं। तो पूछ क्या रहा है, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन, क्लोनिंग, पुनर्योजन, या फिर कह रहा उत्परिवर्तन। तो देखिए, क्लोन किसी जीव की अलैंगिक संतान होती है जिन्हें ऊतक संवर्धन की विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये जनक जीव के बिल्कुल समान होते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोनिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, या फिर एचएनआरएनए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टीआरएनए। अगला क्वेश्चन है, नियोटिनी पाई जाती है टैडपोल में, सेलामेंडर में, हाइला में, या फिर एक्सोलोटल में। देखिए, जो एक्सोलोटल लार्वा का मैक्सिकन सेलामेंडर कहते हैं, या चलने वाली मैक्सिकन जो है मछली कहते हैं, तो इसमें जो है नियोटिनी पाई जाती है। तो जिसका तात्पर्य क्या है कि लार्वा में कायांतरण के बिना लैंगिक परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये क्या कहलाती है, नियोटिनी। तो ये एक्सोलोटल लार्वा में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सोलोटल। अगला प्रश्न है, रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति का सही प्रकार से व्याख्या की गई है, अथवा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त जैव रासायनिक वाद प्रस्तुत किया गया था, स्टैनले मिलर द्वारा, डार्विन द्वारा, ओपेरिन द्वारा, या फिर फॉक्स द्वारा। देखिए, जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक मत है ना, वो एआई ओपेरिन तथा जेबीएस हेल्डन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले रासायनिक उद्विकास और फिर जैविक उद्विकास के द्वारा होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों की लंबी श्रृंखला के परिणाम स्वरूप हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एआई ओपेरिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म आवृतबीजी पुष्प हैं वुल्फिया, रेनन्कुलस, रफलेसिया, या फिर स्टीलेरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुल्फिया। अगला प्रश्न है, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है, समान पीत की अंडा, मीजोलेसिथल अंडा, माइक्रो लेसिथाइल अंडा, या फिर केंद्र पीत की अंडा। देखिए, सतही विदलन केंद्र पीत की अंडे का प्रमुख लक्षण है, यह पक्षियों में पाया जाता है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केंद्र पीत की अंडा। अगला प्रश्न है, स्पंजों की जंतु प्रकृति प्रदर्शित होती है, स्पंजों की जंतु प्रकृति प्रदर्शित होती है, जंतु संभोजी पोषण, सेलुलोज की अनुपस्थिति द्वारा, पचमाभी लार्वा की उपस्थिति द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो एलियास ने स्पंजों को जंतु प्रकृति का वर्णन किया था। तो स्पंज जंतु संपोषण, सेलुलोज की अनुपस्थिति तथा पचमाभियुक्त लार्वा इत्यादि लक्षणों द्वारा विलक्षित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेसिडियोकार्प फलन काय है, राइजोपस का, म्यूकर का, एल्ब्यूगो का, या एगेरिकस का, ये क्या है, ये सब फंजाई हैं, ठीक है। तो जो बेसिडियोकार्प जो फलन काय होता है वो एगेरिकस में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एगेरिकस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित है, केवल किशोर हार्मोन, केवल एक्डिसोन एवं अभी दोनों, या फिर कह रहा फेरोमोन। तो किशोर हार्मोन तथा एक्डिसोन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित होते हैं। तो इसका एवं अभी दोनों सही हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धंसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं, जलोद्भिद में, समोद्भिद में, मरुद्भिद में, या फिर इनमें से कह रहा कोई नहीं। तो मरुद्भिद पौधों का मुख्य लक्षण पत्तियां छोटी एवं स्केली, एपिडर्मिस मोटी, क्यूटिकल से ढकी, धंसे हुए रंध्र जो बालों से ढके, गूदेदार तना,
एवं पत्तियों में पानी का संग्रह यांत्रिक ऊतक अत्यधिक विकसित, तो ये सब जो है क्या होते हैं, धसे हुए रंध्र मरुद्भिद में पाए जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है, जीव मंडल, बायोम, निकेत या फिर क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेत। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, कार्पस कैलोसम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर, इसका सही हो जाएगा सेरेबलम। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है द्विगुणित, बहुगुणित, अप्रजायी या फिर आरएनए का प्रमुख स्रोत, देखिए पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक है ना वो द्विगुणित होता है, तो यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रोद और काचाभ द्रव किसके द्वारा विभाजित होता है, लेंस द्वारा, आयरस द्वारा या फिर कह रहा रेटिना द्वारा या फिर द्रक तंत्रिका द्वारा, तो ये जो है लेंस के द्वारा होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पुनरुद्भवन के प्रकार के संबंध में सही है, हाइड्रा के अनुप्रस्थ रूप से काटे गए दो समान भागों का दो छोटे हाइड्रा के रूप में पुनरुद्भवन, मॉर्फोलेक्सिस, बी ऑप्शन है पुरानी एवं मृत एरिथ्रोसाइट्स का नई एरिथ्रोसाइट्स द्वारा प्रतिस्थापन, एपिमॉर्फोसिस, सी ऑप्शन कह रहा है त्वचा में घाव का भरना, मॉर्फोलेक्सिस, डी ऑप्शन कह रहा है प्लेनेरिया के कुचलकर छाने गए टुकड़ों का अनेक नए प्लेरेनियन के रूप में पुनरुद्भवन, एपिमॉर्फोसिस, तो अब बताइए कह रहा है कि कौन सा सही है, पुनरुद्भवन के प्रकार के संबंध में सबसे सही कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा के अनुप्रस्थ रूप से काटे गए दो समान भागों का दो छोटे हाइड्रा के रूप में पुनरुद्भवन, मॉर्फोलेक्सिस। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेशर प्रोटीन उत्पन्न की जाती है रेगुलेटर जीन द्वारा, ऑपरेटर जीन द्वारा, संरचनात्मक जीन द्वारा, प्रमोटर जीन द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेरॉन मॉडल के अनुसार दमनक प्रोटीन की उत्पत्ति नियामक जीन द्वारा होती है, तो नियामक जीन प्रचालक जीन से कुछ दूर स्थापित रहते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि रिप्रेशर प्रोटीन उत्पन्न की जाती है रेगुलेटर जीन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, सहलग्नता, पृथक्करण, प्रबलता या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सहलग्नता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुफिनी का कण संवेदी है ऊष्मा के लिए, ठंड के लिए, दाब के लिए या फिर स्पर्श के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा के लिए, ठीक है, ये जो है त्वचा में उपस्थित रुफनी के कण ऊष्मा के लिए संवेदी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण केंद्र है अनुमस्तिष्क, मेडुला ब्लांगेटा, मेरुरज्जु या फिर प्रमस्तिष्क, तो मेडुला ब्लांगेटा विभिन्न केंद्रों द्वारा शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है, फंजिया का सामान्य नाम क्या है, कुकुरमुत्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल या आर्गन पाइप कोरल, देखिए फंजिया का जो साधारण नाम है ना मशरूम कोरल या कुकुरमुत्ता कोरल है, तो इसको जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए कुकुरमुत्ता कोरल। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 26, 28, 107, 29, तो सिर का कंकाल करोटी या खोपड़ी कहलाता है और ये 29 अस्थियों से मिलकर बना होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 29। एक बच्चे में पूंछ की उपस्थिति कह रहा है किसका उदाहरण है, पूर्वजता का है, अपसारी, अभिसारी या फिर उत्परिवर्तन, तो कभी कभी जो है ना जीव जातियों में आकस्मिक रूप से ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो बहुत समय पूर्व उनके पूर्वजों में पाए जाते थे, यह पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है, जैसे शिशु में छोटी पूंछ, कैनाइल दांत, चूचकों की संख्या 2 से अधिक आदि, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वजता का। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से या फिर मॉस से,
देखिए जो लाइकेन है ना, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शैवाल, सैक से। लिटमस की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है ना? हाँ, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, इसी को सैक कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में या फिर मोनो में साइट्स में। तो जो बेसोफिल्स की कणिकाएं होती हैं वो कम होती हैं, और बेसिक डाई वाले रंजक जैसे मेथाइलिन ब्लू से रंगी होती है। तो इनका केंद्रक दो से अधिक पालियों का बना एस के आकार का होता है, जो अनियमित होता है। तो यहाँ पर इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, बेसोफिल्स में। मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देते हैं एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए एस्ट्रोजन जो है ना, वो यौवनावस्था आरंभ होने पर गर्भाशय, योनि, भग्नशिश व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है, अर्थात यह गौण लैंगिक लक्षणों पर प्रभाव डालकर नारी विकास को प्रभावित करता है, इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित होता है, कोलीसिस्टोकाइनिन, एंडिरोकाइनिन, एंटेरोकाइनेस या फिर सीक्रेटिन। तो देखिए ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंडोपेप्टाइडेट्स होते हैं, और ये अपने निष्क्रिय रूपों क्रमशः ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होते हैं। आंत द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेस निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन का सक्रिय ट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंटेरोकाइनेस। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस का श्रावण प्रेरित होता है गैस्ट्रिन द्वारा, सेक्रेटिन द्वारा, एंटीरोग्रेस्ट्रिन द्वारा या फिर एंटीरोकाइनेज के द्वारा। अग्नाशय रस का श्रावण किससे होता है, सीक्रेटिन तथा कोलीसिस्टोकाइनिन द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा, सीक्रेटिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजनीय तुर्क में मुख्य प्रोटीन होती है ट्यूबलिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या फिर डायनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबुलिन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबीय पुट्टी में परतों की संख्या होती है 2, 3, 1, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अमीबा में बहुखंडन तथा बीजाणु भवन प्रतिकूल परिस्थितियों में पुटी भवन के पश्चात होता है, जिसमें 3 परतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल हाइड्रोलेस पाया जाता है गालजीकाय में, अंतर्प्रतभी जालिका में, लाइसोसोम में या फिर रिक्तिका में। तो लाइसोसोम जो है इकहरी कोशिका कला द्वारा घिरे कोशिकांग हैं, जिनकी खोज डी डुबे ने की थी। इनको मुख्य रूप से अम्लीय जल विश्लेषी इंजाइम्स होते हैं, या इन्हें आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम में। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर या फिर कॉपर, बताइए इसमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक है। देखिए दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और जो सूक्ष्म होते हैं वो आयरन, कॉपर, बोरान, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, कॉपर। अगला है, जैव घड़ियों से संबंधित ग्रंथि है, जैव घड़ियों से संबंधित ग्रंथि है थायराइड, थाइमस, एड्रिनल या फिर पीनियल। तो पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, तो रुधिर में इस हार्मोन की सांद्रता द्वारा एक दैनिक यानी कि दिन रात का चक्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, पीनियल। निम्न में से कौन आंतरिक सूत्र कणिका कलावलन बनाती है, सिस्टर्नी, ऑक्सीसोम, क्रिस्टी या फिर प्लाज्मिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टी, ठीक है? माइटोकांड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एवं वसा प्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी एवं भीतरी दो झिल्लियों द्वारा घिरी होती है।
ठीक है। तो आंतरिक सूत्र कणिका कला वलन बनाती है, जिसे इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ग्रिफिथ, हर्सेन चेस, एवरी मैकलॉड एवं मैकॉल्टी, या फिर हरगोविंद खुराना। तो डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम एवं प्रायोगिक सत्यापन 1952 में एल्फ्रेड हर्से एवं मार्था चेस ने किया था, ठीक है। तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, हर्से एवं चेस। अगला क्वेश्चन है, हृदय की दोनों धुनियों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 0.8 सेकेंड, 0.5, 0.3, 0.1 सेकेंड। तो इसमें जो है 0.8 सेकेंड का समय अंतराल होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विषाणु में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु जो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं, इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए होता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। मतलब इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए होता है, जो इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है, और शेष 94% प्रोटीन अणुओं का बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया में अगुणित संरचना होती है, कैप्सूल, प्रोटोनेमा, कॉलुमेला, या फिर इनमें से कह रहा कोई नहीं। तो फ्यूनेरिया का पौधा क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। यह दो अवस्थाओं प्रोटोनेमा तथा युग्मक धर्म में पाया जाता है, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, प्रोटोनेमा। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? देखिए, क्रेब्स चक्र में एसिटिल को एंजाइम में से कुल कितने होते हैं, 12 एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बैंथम एम हुकर, एंग्लर एम प्रांटल, जॉन हचिंसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जेनेरा प्लांटेरम नाम की पुस्तक बेंथम एवं हुकर द्वारा लिखी गई थी, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में आएगा? लिवरवर्ट, मांस, हरी शैवाल, या फिर लाइकेन। तो एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में लाइकेन आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइकेन। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है उचित है, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है? हेनले लूप की अवरोही भुजा के लिए अपारगम्य है, हेनले लूप की और आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है, हेनले लूप की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्टों के लिए पारगम्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। अगला है, मछलियों का युग है आर्डिविसियन, प्रोटीरियोजाइक, सिल्यूरियन, या फिर डिवेनियन कल्प। तो जो मछलियों का युग है ना, वो डिवेनियन कल्प को मछलियों का युग कहते हैं, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका को चिपकाने की विशेषता प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो जीवाणुवीय कोशिका का सबसे बाहरी चिपचिपा एवं श्लेष्मी आवरण होता है, जिसे चिपकने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, मृदा परीक्षण के जनक कौन है? एमिल ट्रोक, एमिल जॉक्सन, एम लॉर्सन, या फिर इनमें से कह रहा कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, मृदा परीक्षण के जनक हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मृदा परीक्षण के जनक कौन है, आर के सोफील्ड हैं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, मारूला, गैस्ट्रोला, ब्लास्टुला, या फिर ब्लास्टोमियर। तो भ्रूण की 16 कोश की अवस्था मारूला कहलाती है, ब्लास्टुला के बनने से पूर्व अंडधानी के विदलन की कोशिकाओं का समूह होता है, और विदलन के समय कोई भी एक कोशिका ब्लास्टोमियर कहलाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मारूला। अगला है, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से शुरू होता है, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का पाचन जो है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरते हुए छोटी आंत में इसका पूर्ण रूपेण अवशोषण होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन रोग जनक कसाभी नहीं है, लीसमैनिया, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, या फिर नॉक्टिलिका। तो इसका सही उत्तर है, नॉक्टिलिका रोग जनक कसाभी नहीं है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है,
उस पौधे का नाम बताइए जिनसे जिससे जो है कॉफ़ी प्राप्त होती है, रूबीएसी, रेनेनकुलेसी, रोजेसी या फिर मालवेसी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी रूबीएसी कुल के कॉफ़िया अरेबिका नामक पौधों से प्राप्त की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूबीएसी। अगला है किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है, वन पारितंत्र, घास स्थल या फिर ताल या फिर झील पारितंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन पारितंत्र। अगला है रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा में आते हैं। ठीक है, अगला है कुक्कुट भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन अंडे के पीतक को उपयोग में लाने हेतु तो एक नलिका की भांति कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरापोषिका गुहा। कुक्कुट भ्रूण में अपरापोषिका गुहा अंडे के पीतक को उपयोग में लाने हेतु तो एक नलिका की भांति कार्य करता है। अगला है विषम बीजाणुकता एवं कुंडलित पर्व विन्यास उपस्थित होते हैं ड्रायोप्टेरिस, पाइनस, साइकस या फिर फ्यूनेरिया। तो साइकस एवं पाइनस दोनों में ही विषम बीजाणुकता पादप होते हैं और दो प्रकार के बीजाणु अर्थात लघु एवं दीर्घ बीजाणु उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकस में। अगला है आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है एस अवस्था, जी अवस्था, G1 एवं G2 या फिर एम अवस्था। तो आरएनए तथा प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए या फिर डीएनए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरआरएनए। अगला क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ, परमियन, ट्राइएसिक, जुरैसिक या फिर क्रिटेशियस। तो अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव ट्राइएसिक कल्प में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये माइकोराइजल मूलों से संबंध होते हैं, ये शैवालों तथा कवकों का सह संयोजन होते हैं, ये पायोनियर्स होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं, ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये पायोनियर्स यानी कि बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोगेनविलिया में कांटे रूपांतरित होते हैं अनुपांड में, अपस्थानिक मूल में, तने में या फिर पत्ती में। तो बोगेनविलिया के कांटे तने का रूपांतरण होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तने में। मनुष्य में कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 29 होती है, तो सी हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्निथन चक्र का अंश है, आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं एलेनिन, आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं आर्जिनिन, अमीनो अम्ल प्रयोग नहीं होते, आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं फ्यूमेरिक अम्ल। तो आर्निथीन चक्र या यूरिया चक्र मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है और इस चक्र के मुख्य घटक क्या होते हैं, आर्जिनिन, आर्निथीन तथा सिट्रुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या फिर रेली फेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यावस्था। ठीक है, बी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है त्रिकोष्ठकीय युगतांडपी जायांग किसके पुष्प में होते हैं, सोलेनेसी, फेवेसी, पोएसी या फिर लिलिएसी। तो त्रिकोष्ठकीय युगतांडपी जायांग लिलिएसी कुल के पुष्पों की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लिलिएसी। ल्यूकोसाइट निम्न में से किसे अधिक मात्रा में रखती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स या फिर मोनोसाइट्स। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं ये मुख्यतः दो समूहों में होते हैं, अकणिकामय और कणिकामय। तो कणिकामय कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। अगला है पादप पत्ती से जलवाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उस रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विसरित होती है, उपर्युक्त कथनों में से कारणों पर विचार कर एक विकल्प कह रहा चुनिए। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि जल और CO2 का विसरण गुणांक भिन्न है। बी ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त प्रक्रियाएं केवल रात में हो सकती है। सी कह रहा है एक प्रक्रिया दिन में तथा दूसरी प्रक्रिया रात में होती है। डी कह रहा है दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि जल और CO2 का विसरण गुणांक भिन्न है।
अगला है, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? ए बी ए साइटोकाइन, एथलाइन या फिर जिब्रेलिन। ठीक है, यह है एब्सिसिक एसिड, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगाम कहते हैं? शैवाल, टेरिडोफाइट्स, लाइकेन या फिर कवक। देखिए, टेरिडोफाइट्स जो है सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम होते हैं, तो इसको जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी टेरिडोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स या फिर युगलिनॉइड्स। तो डायटम्स जो है ना महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, डायटम्स। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का कह रहा है स्थल बताइए, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक या फिर गाल्जी का है। तो गाल्जी का है कि खोज सर्वप्रथम सन 1998 में कैमली गाल्जी ने की थी, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा डी गाल्जी का। निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं? माथ, ट्यूनिकेट, केचुआ या फिर स्टारफिश। केचुए प्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करते हैं जिसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। केचुआ कायांतरण नहीं करता है, कायांतरण प्रायः अप्रत्यक्ष विकसित प्रदर्शित करने वाले जंतुओं में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केचुआ। माइकोराइजा है कवक व शैवाल के मध्य परजीवी, कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी, कवक व जड़ों के मध्य सहजीवी, कवक व जड़ों के मध्य परजीवी। देखिए, माइकोराइजा जो है ना उच्च पादपों की जड़ों तथा कवकों के बीच एक सहजीवी संबंध है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनावृतबीजी, शैवाल, कवक या फिर आवृतबीजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आवृतबीजी। ठीक है, द्विनिषेचन जो है वो आवृतबीजियों का क्या है, विशिष्ट गुण है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया था? ल्यूवेन हुक द्वारा, वैक्समैन द्वारा, एलेक्जेमेंडर फ्लेमिंग द्वारा या फिर रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो पेनिसिलिन जो है ना एक एंटीबायोटिक दवा है जो सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक द्वारा पृथक किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कवक। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को नहीं, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं हम, रुक जा एक मिनट। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को कह रहा पृथक किया गया था ना, हाँ, तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगला है, अनावृत बीजी किसकी उपस्थिति में आवृत बीजी से विभक्त किए जा सकते हैं? पत्तियों, फूलों, तनों या फिर नग्न बीजों से, बताइए। अनावृत बीजी समूह में सम्मिलित पौधों के बीज नग्न होते हैं, अर्थात तो पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते। आवृत बीजी पौधों में सम्मिलित पौधों के बीज अंडाशय भित्ति से ढके होते हैं, तो इसका हो जाएगा नग्न बीजों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? जो वेक्टर, क्लास्ट्रिडियम, राइजोबियम या फिर लैक्टोबेसिलस। देखिए, जो क्लास्ट्रिडियम अवायवीय अप्रकाशी संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है और एजेटोबैक्टर वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लास्ट्रिडियम। निम्नलिखित में से कौन सी सभी तीन बृहत पोषक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्न में से कौन सा तत्व रूबिस्को का सहकारक है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर मॉलिब्डेनम। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? मीरोजॉइट, साइजेंट, स्पोरोजॉइट या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पोरोजॉइट। ठीक है, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाशटाक निम्न में से किस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जाना जाता है? केवल प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक साथ, केवल नाइट्रोजन यौगिकीकरण को एक समय में या प्रकाश संश्लेषण नाइट्रोजन यौगिकीकरण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं हानिकारक, लाभदायक, अप्रभावी या फिर प्रभावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हानिकारक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को अपचयित करते हैं? प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जल CO2 या फिर प्रकाश तंत्र सेकेंड, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में ना H2O के अल्फा इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं। जब कभी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? एकिडोसोन द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि द्वारा या किशोर हार्मोन द्वारा? तो इसका सही उत्तर है किशोर हार्मोन द्वारा। अगला है, मेंडल के द्विसंकर क्रास में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण होंगे? मेंडल के द्विसंकर क्रास में क्रमशः 9 जीन प्रारूप तथा 4 लक्षण प्रारूप होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन, बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ए तथा बी दोनों या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही है नाइट्रोकोकस। अगला है, आवृत बीजी से भिन्न है क्योंकि आवृत बीजियों का दारु या जाइलम में वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं जबकि अनावृत बीजियों में ये अनुपस्थित होती है, ठीक है, नीटम में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अनावृत बीजी में से किसमें कह रहा है द्विनिषेचन होता है? तो इसमें जो है इफेड्रा में द्विनिषेचन होता है। अगला है, इफेड्रा जो है क्या है, एक अनावृत बीजी है। अगला है, आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एल्डोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन या फिर कैल्सीटोनिन? तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है और यह संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, कह रहा है टीलोफेज। तो देखिए, सूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देता है। तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, पूर्वावस्था। अगला है, निम्न में से किस विधि द्वारा युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? GIFT, IUT, ZIFT या फिर ICSI? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ZIFT विधि द्वारा युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ZIFT। अगला है, डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु में रूपांतरित प्रक्रिया की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, जल वैद्युतकरण संचलन के दौरान एगेरोज जेल पर DNA खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड, ठीक है, अपेक्षाकृत दूर जाता है। अगला है, जाति व उपजाति के बीच की जाति को क्या कहते हैं? सहोदर, अर्धजाति, आधी जाति या फिर उपजाति? तो जाति उपजाति के बीच की जाति को अर्ध जाति कहते हैं। सहोदर जाति जोड़े में या समूह में समान या करीबी जातियां हैं जो प्रजनन प्रक्रिया में अलग अलग लेकिन आकृति रूप में समान होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, अर्ध जाति। अगला है, सिन सैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? सरीसृपों का, पाद विहीन उभयचरों का, उड़नशील चिड़ियों का या फिर करा इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़नशील चिड़ियों का। देखिए, जो सिन सैक्रम अस्थि है ना, उड़नशील चिड़ियों में पाया जाता है। इनमें हड्डियाँ छिद्रयुक्त, वातिल और वायु से भरी होने के कारण हल्की होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। करोट केवल एक ऑक्सीपिटल, कॉन्डाइल हृदय चौवेशमी, वयस्क में केवल दाहिनी दैहिक चाप, अल्प विकसित वृक्क निवाहिका तंत्र उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन को सॉल्व किया।